चटिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धरना देकर सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषक विरोधी बिलों को वापसी की मांग लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतिया ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। अध्यक्ष संजय ने कुंभ शेखर भावसार ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और किसानों की उपस्थिति में अतिरिक्त तहसीलदार श्री हुकुम सिंह निकवाल को सौंपा। ज्ञापन का वाचन पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोहित दास सोलंकी ने किया। इस प्रदर्शन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता रहे उपस्थित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपने के बाद इस आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले कृषकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश नाहर, राजेंद्र टाटिया, पार्षद अनिल चौधरी, पार्षद राकेश चौधरी सहित अनेक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित थे। काम भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे सरकार को अविलंब राष्ट्रपति महोदय कानून को वापस ले और ऐसी सरकार को बर्खास्त करे और जो मृतक आत्मा हमारे ठीक उल्टा कर दिया है मोदी जी ने। तो दोस्तों, मैं ज्ञापन आदरणीय हमारे नायब साहब जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतिया द्वारा आज किसानों के खिलाफ लाए गए सरकार के कानूनों को वापस लेने के लिए ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के नाम नायब तहसीलदार महोदय को सौंपा है। नरेंद्र मोदी जी की अड़ियल सरकार है जो लगातार किसानों के इतनी सारी शहीदी के बाद भी कानून पीछे लेने से तैयार नहीं हो रही है। वास्तविकता ये है कि कृषि कानूनों को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार जो होगा तब मोदी सरकार की हवा यूं ही अपने आप निकल जाने वाली है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, MSP का मामला हो, सारी बातों को लेकर के सरकार अपने वादों से कहीं भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। माननीय राष्ट्रपति जी से हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी ये सारे कानूनों को वापस लें। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस आंदोलन में वो किसान जिन्होंने वहाँ रह करके लगातार आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया, ऐसे शहीद हुए 121 किसानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम सभी ब्लॉक कांग्रेस के साथी किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हर समय कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में है। खबर भारतवर्ष के लिए खेतिया खरगोन से हर्षल जैन की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।